कांकेर में भेंट मुलाकात में सीएम भूपेश का दिखा अलहदा अंदाज, बच्ची ने पकड़ा कॉलर तो लगे ठहाके। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश ने बिलासपुर से भोपाल विमान सेवा का किया शुभारंभ, कहा छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा होगी मजबूत। बलरामपुर में सांसद राम विचार नेताम ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा सत्ता के संरक्षण में बन रहा फर्जी पट्टा। बालोद में जिला अस्पताल में अब नई नियम होगा लागू, मरीजों को नहीं होगी अब कोई परेशानी। तो राजधानी में नारकोटिक सेल की दिखी बड़ी कार्यवाही, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोर छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रुक करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के सौगात तो दे ही रहे हैं, पर इससे हटकर एक अलग अंदाज भी उनका दिखाई दे रहा है जो लोगों को काफी भा रहा है। कांकेर में भी सीएम भूपेश सभी से हंसी मजाक के मूड में दिखे, एक बच्ची ने तो सीएम का कॉलर ही पकड़ लिया, जानते हैं कैसे। भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान लगातार क्षेत्र के विकास के लिए नई नई सौगात दे रहे हैं, वहीं ग्रामीण जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को त्वरित निराकरण के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को देते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बकायदा अधिकारियों से फीडबैक भी सीएम भूपेश लेने से नहीं भूलते हैं। यदि काम में कोताही नजर आती है तो ऑन द स्पॉट अधिकारियों पर गाज गिरना भी तय है। बस्तर संभाग के तीसरे चरण के दौरान सीएम भूपेश खाले मुरवैन पहुंचे, जहां उन्होंने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अपनी तरह के अनूठे रिसॉर्ट का आज लोकार्पण किया। दरअसल रायपुर से बस्तर की ओर जाने वाले बेहद व्यस्त नेशनल हाईवे में अब तक कोई ऐसा अच्छा फूड जोन नहीं था जहां टूरिस्ट थकान दूर कर सके और हाइजीनिक फूड का सेवन कर चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता के वातावरण में कुछ समय बिताकर आगे बढ़ सके। खाले मुरवेन में बने लीम दरहा मिडवे रिसोर्ट ने यह कमी अब पूरी कर दी है। यह प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त मिडवे रिसोर्ट होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होंगे। सीएम भूपेश कांकेर विधानसभा के बादल पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किए। उन्होंने यहां गौठान में पौधारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान सीएम बघेल यह देखने के लिए सीधे रसोई में पहुंच गए कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने आज बच्चों के लिए क्या पकाया है। उन्होंने जब गैस चूल्हे पर कुकर चढ़ा देखा तो आगे बढ़कर खुद ही उसका ढक्कन खोल दिया। खिचड़ी के रंग रूप और खुशबू पर सीएम मंत्रमुग्ध हो गए। सीएम बघेल ने इसकी तारीफ तो की ही, वहां मौजूद लोगों को भी दिखाया कि कितनी खुशबूदार खिचड़ी बनी है। आंगनबाड़ी केंद्र में सीएम भूपेश ने एक बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची जैसे ही मुख्यमंत्री की गोद में पहुंची, उसने मुख्यमंत्री का कॉलर ही पकड़ लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसने तो सीधा मुख्यमंत्री का ही कॉलर पकड़ लिया और जमकर ठहाके लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्ची को अपने हाथों के पंजे पर उठा लिया और बच्ची को अपने हाथों से चॉकलेट भी खिलाए। मुख्यमंत्री के इस खुशमिजाज रूप को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तो देखा आपने मुख्यमंत्री का निराला अंदाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया है। चकरभाटा के बिलास देवी कैंट एयरपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विमान, इसको रिटेक ले लीजिए, पूरा गड़बड़ जाएगा ये।
तो देखा आपने सीएम का निराला अंदाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया है। चकरभाथा के बिलासा देवी कैंट एयरपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने की। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा के शुरू होने पर बिलासपुर सहित देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई सेवा का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा मजबूत होगी। तो राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले में कांग्रेस नेताओं और जिला प्रशासन पर फर्जी पट्टा बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। नेताम ने कहा कि जमीन का फर्जी पट्टा का एक पूरा गिरोह सक्रिय है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग और जिला प्रशासन की टीम शामिल है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बिना नाम लिए कांग्रेस के कई नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बलरामपुर जिले में जमीन के अवैध कारोबार का खेल तेजी से फल फूल रहा है और जमकर फर्जी पट्टा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोग शामिल हैं जो मिलकर रिकॉर्ड को रातों रात बदल दे रहे हैं। रामविचार नेताम ने कहा कि यह गिरोह पूरे सरगुजा संभाग में घूम घूम कर फर्जी काम कर रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। सब मिले हुए हैं, सब दलाली कर रहे हैं जमीनों का। किस बड़े नेता का? नहीं, किस बड़े नेता नहीं, जो भी इसमें इन्वॉल्व सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं तो करेगा। हमारे अभी विपक्ष वाले तो करेंगे नहीं, विपक्ष कौन पूछेगा? जो सत्ता वाले हैं वो सत्ता के साथ वाले हैं। सरकार के साथ वाले और सरकार चलाने वाले, ये दोनों के साठगांठ से बड़े पैमाने पर जमीनों का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया जा रहा है। इस पर तमाम जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सांसद कांग्रेस स्वरूप नेताओं पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जमीन के अवैध कारोबार ये लोग जमकर चला रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए निशु, ये राज्यसभा सांसद हैं रामविचार नेताम, जिनकी अब जो कार्यकाल है समाप्ति की ओर है। 29 जून को इनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और आज जब वो बलरामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे जो रफ्तार मीडिया के संवाददाता वहां पहुंचे हुए थे रॉबर्ट गुप्ता ने जब उनसे सवाल दागा तो उन्होंने पट्टे को लेकर कहा कि जमीन का जो पट्टा दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब उन्होंने अपना सरकार के लिए जब वहां अपनी सीट संभाली, जब अपनी सत्ता संभाली, उस सत्ता संभालते वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि जिनका पट्टा नहीं मिला है पूर्व शासन काल में और जिन्हें नया पट्टा दिया जाना है उनको फौरी तौर पर जल्द से जल्द वो दिया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा था कि इसमें कभी भी ये लगातार जब देखा जा रहा था, अब वो विपक्ष में है और विपक्ष में होने के कारण उनका आरोप लगाना समझ में आता है और यही कारण है कि उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन और राज्य सरकार मतलब नेताओं को भी इसमें मिली भगत का पूरी तरह से उन्होंने जोड़ के रख दिया है। तो इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि उनकी बातों से ये लग रहा है कि शासन के जो मातहत अधिकारी हैं और जो वहाँ की जो स्थानीय नेता हैं और जो कद्दावर नेता हैं उनसे मिलीभगत होने के बाद पट्टा वितरण की जो बात आ रही थी वो पट्टा वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य सरकार ने कई जगह, सिर्फ बलरामपुर की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉर लौटेंगे।